कैसो कैसो प्यार भाई इनसे इजहार भाई ठीक कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं तो उस 16 साल के नहीं खन। हाँ सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब अच्छा। हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीजन। ओह माय गॉड वाओ वाला हो गिल बड़े से और नहीं भूलता हूं हम देखा था कि मुंह जब खेल से रखी नु तो या तना बोलो कि फिर दिमाग में हैजा हो जाए। मैं चाहता हूं आखिरी तक कुछ नहीं बोलूं, चुप रहूं, लेकिन हमके लगता है चुप रहे दिया था नाम रहे। सही बात है ना, हमारा के केहू कहला कि हमारे एज हो गई, हमारे एज हो गई। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप लोग एक बार जो है एक बार आप लोग एक साथ बैठिए। आप लोग तो एक साथ बैठते नहीं है, एक साथ बैठिए कम से कम जो है साल में 2 बार आप लोग जो है एक साथ बैठ के जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास पे, आपसी भाईचारा पे, कैसे बिहार का डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए। और हाँ करना है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, अगर करना है तो करे ना। रितेश पांडे ने भी जो है पढ़ाई लिखाई पे गाना गाया है। हाँ गाना है तो गाना के हिसाब से रहेगा, गाना है तो हनुमान चालीसा नहीं होगा, गाना है तो उसमें जो है गायत्री मंत्र नहीं होगा, गाना है वो गाना के हिसाब से है, पढ़ाई लिखाई पे है। उनका भी गाना है, रितेश पांडे का भी गाना है, अच्छा है गाना। खेसारी लाल यादव जी का भी अभी एक दिन पहले आया है गाना, उनका भी गाना अच्छा है। पवन सिंह जी का भी गाना आया है पुदीना 2, वो भी साफ सुथरा है। तो इन सब चीजों पे तो चर्चा हो नहीं रहा है। कैसो कैसो प्यार भाई इनसे इजहार भाई ठीक।